पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तजारती मुहिदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम तकरीब से खिताब में कहा, तजारती मुहिदे से पाक तुर्किया मईशत मजीद मुस्तहकम होगी, दोनों मुल्क मसनूआत की तजारत कर सकेंगे। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी, ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए सस्ता 212 रुपए पर फरोख्त, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट्स का इजाफा, 42,600 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। बगावत पर उकसाने का मुकदमा, पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद, अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। प्रोसिक्यूटर ने मौकिफ अपनाया कि शहबाज गिल ने इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने की कोशिश की, मुजरिम हाई प्रोफाइल है, हमने पोलियोग्राफिक टेस्ट करवाना है, दूसरा मोबाइल भी बरामद कराना है, मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए, तहम अदालत ने इस सदा मुस्तरद कर दी। मुझ पर तशद्दुद किया जाता है, रात भर सोने नहीं देते, फिजिकल चेकअप किया गया, ना वकला से मिलने दिया जा रहा है, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बना ली गई है, रिपोर्ट को चेक किया जाए, शहबाज गिल दौरान समाअत अदालत में फट पड़े, रहनुमा पीटीआई ने मुबैना एतराफी बयान की भी तरदीद कर दी। शहबाज गिल पर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं, तशद्दुद किस कानून के तहत और किसके हुक्म पर किया जा रहा है, अदलिया को नोटिस लेना चाहिए, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट, कहा इम्पोर्टेड हुकूमत को बचाने के लिए आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की जमानत मंजूर कर ली, रहनुमा पीटीआई कमल शोजब कहती हैं 11 माह की बच्ची की मां का कोई जुर्म नहीं था, कल पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम की गई, इमरान खान को काबू करने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है, पूरी कौम को उलझाकर महंगाई से तवज्जो हटाई जा रही है। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में एफआईए इंक्वायरी का मामला, सिंध हाईकोर्ट ने एफआईए को इमरान इस्माइल सीमा जिया के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया, एफआईए और दीगर इदारों से 24 सितंबर तक जवाब तलब। पीटीआई 8 साल से गैर मुल्की फंडिंग केस में ताखीर कर रही थी, एफआईए इंक्वायरी से बचने के लिए मजीद स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश हो रही है, वजीर इत्तला'आत सिंध शर्जील इनाम मेमन का ट्वीट, कहा अगर पीटीआई साफ है तो परेशान क्यों है, इंक्वायरी का सामना क्यों नहीं करती।